मैरी क्रिसमस। और ये जो आपके सामने है ये है होली ट्रिनिटी चर्च जो कि है साउथ गोवा बेनोलिम में। तो नॉर्मली गोवा के अंदर एम जो वर्ड होता है लाइक लास्ट में बेनोलिम है ना, तो वो कैसे करते हैं प्रोनंसिएट इसको बेनोली, लाइक एम को साइलेंट कर देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चर्च है होली ट्रिनिटी नाम से। और अभी तो बंद है ऑफकोर्स, थोड़ा सा लेट हो गया है, बट पूरा डेकोरेशन इतना शानदार हुआ हुआ है ना। और अब थोड़ा घूमते घूमते हम आ चुके हैं, ये कुछ साउथ गोवा में ही पड़ता है एरिया। हमने देखा यहाँ पे इतने सारे लोग रुके हुए थे ना, आपको पता है क्रिसमस की जितना भी इन्होंने नेटिविटी सीन और क्या बोलते हैं इसको क्रिप मेकिंग और सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं क्रिसमस पे वो की हुई हैं। इतना लवली प्रिटी डेकोरेशन है ना, ये देखो ये मेरी क्रिसमस लिखा हुआ है यहाँ पे। और एक तरीके से ये काइंड ऑफ यू नो सिटिंग फ्रेम बनाया हुआ है इन्होंने कि आप आराम से यहाँ पे फोटो खिंचा सकते हो। और पूरे थीम्स का कलर्स का इतना ध्यान रखा हुआ है, पीछे देखो स्नोफ्लेक्स कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ऑसम लुकिंग सच में बहुत ही शानदार। और स्नोमैन कितना क्यूट लग रहा है ये। और पीछे की तरफ पूरा इन्होंने लाइक आपको मालूम होगा वो नेटिविटी जो सीन दिखाते हैं तो वो नेटिविटी सीन पूरा प्रॉपर बनाया हुआ है इन्होंने, ये वाटरफॉल सा क्रिएट किया हुआ है। मतलब लिटरली मुझे विश्वास नहीं हो रहा इन्होंने कैसे बनाया। और तो हम लोग अपने स्कूल्स में कॉलेजेस में लगभग बनाते हैं क्रिसमस पे, बट इन्होंने तो लाइक ओ माय गॉड आई कैप्चरिंग इट इज़ रियली ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग आई कैन से। तो ऊपर दिख रहा होगा आपको मैरी क्रिसमस 2022। और ये है बना हुआ यहाँ पे देखो, ये छोटे से जीसस का एक तरीके से छोटा सा मैनिकिन या क्या बोलते हैं इसको आइडल वो है। और यहाँ पे सारे उस समय के जो सीन बेसिकली शो करते हैं लोग इसको बना के कि क्या होता है वहाँ पे, ये देखो ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें लेके जा रहे हैं वो जेरूसलम बेसिकली वो जो मड पॉटिंग वगैरह से बना के दिखाया हुआ उन्होंने सारा। इवन तक लाइक कांट इवन इमेजिन, देखो अगर छोटा सा फायर बनाया हुआ ना तो छोटा सा फायर के लिए उन्होंने रखा हुआ है, ये किंग है तो जिसमें उसमें 3 wise men होते हैं, तो आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा देख के इसको। तो लाइक इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इतनी मेहनत से इन्होंने बनाया हुआ ना, देख के ऐसा लग रहा है कि लिटरली इट्स टू गुड। मैं सोच रही हूँ और ये पूरा देखने के बाद में लिटरली मुझे लग रहा है कि हाँ ये क्रिसमस टाइम जो होता है ना गोवा का वो बहुत ही ज़्यादा यू नो वर्थ कमिंग होता है। न्यू ईयर क्रिसमस इज़ लाइक वर्थ कमिंग। तो फ्रॉम माय साइड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ वेरी लाइक ब्राइट वन मैरी क्रिसमस टू वन एंड ऑल। और ये क्रिसमस सीजन के आसपास का टाइम है तो होगा ही ना वाइब्रेंट।